छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कई सालों से मौखिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने मामले का खुलासा किया तो पता चला कि देवाशीष नाम व्यक्ति, जो क्षेत्र के कई आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन बनाने की सामग्री सप्लाई का काम करता है, वह बिना बताए आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। जब कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा विरोध किया जाता है तो देवाशीष सूचना का अधिकार लगाने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले अंडों को भी देवाशीष घोटाले करता है, ऐसा उस पर आरोप लगाया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका संघ के महिलाएं, स्व सहायता संघ की महिलाएं जो है आज ज्ञापन देने आई थी। ज्ञापन में उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि देवाशीष राय जो पीजी 116 के निवासी हैं, इनके द्वारा आंगनबाड़ी समूहों को अंडे की सप्लाई की जाती है, तो इनके द्वारा पूरा अंडा उन वहां तक नहीं, केंद्रों तक नहीं पहुंचाता है और सड़ा हुआ अंडा भी देते हैं, और पूरा देने पे कहने पर महिलाओं को ये जो है सूचना का अधिकार लगाकर बार बार परेशान करता है ताकि इनके द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को छुपाया जा सके। इनको समझाने बुझाने पर महिलाओं को अपशब्द कहना भी सामने आया है। इस संबंध में ज्ञापन में उन्होंने कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया है, हमने ज्ञापन ले लिया है और इसमें हम जो है जांच कराकर त्वरित कार्यवाही करवाएंगे। कारण यही है कि देवाशीष राय द्वारा कई समूह चलाया जाता है और खराब क्वालिटी का सामान देने के बाद शिकायत करने पर हमारे कार्यकर्ता बहनों को धमकाया जाता है और उनसे अपशब्द बोला जाता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे शिकायत लिखित रूप से शिकायत करने से आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये 12-13 साल हो गया है जो हमारे बहनों के साथ, पहले मौखिक दिए थे, उसके बाद लिखित भी दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फिर से लिखित रूप से देने के लिए आए। देखिए, मैं आज नगर पंचायत अध्यक्ष के हैसियत से नहीं, मैं प्रदेश के महिला सहायता समूह अध्यक्ष के नाते यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज जो वर्तमान में जो मायापुर ये आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास के माध्यम से जो गर्म भोजन का वितरण किया जा रहा है, उसमें एक महिला सशक्त समूह के नाम से काम लेकर देवाशीष राय के माध्यम से ठेका से काम किया जा रहा है और एक ये महिला बाल विकास में सारे हमारे बहने, समूह के बहने एवं आंगनबाड़ी बहने सारे महिलाएं हैं। सख्त निर्देश है कि कोई भी पुरुष हमारे आंगनबाड़ी के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन उनके द्वारा जबरन आंगनबाड़ी में घुसा जाता है, जबरदस्ती अपशब्द महिलाओं को कहा जाता है कि क्या हम आए हैं तो आपको शादी करने के लिए आए हैं, क्या सामान कम देते हैं, तो उसके आवाज में ये बोला जाता है कि सामान यदि इस प्रकार से हमको भर के नहीं देंगे तो आपके तहत सूचना के अधिकार लगाया जाएगा, और इससे पूर्व बहुत बार लगा भी दिए हैं और उससे उनका काम सिर्फ सूचना के अधिकार के अधिनियम को ये अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार लगा के उसको गलत प्रयोग करना और उसके माध्यम से ये हमेशा हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे कार्यकर्ता से, महिला सशक्त समूह से उनका पैसा का पैसा मांगते हैं और पैसा लेते भी है। गर्म भोजन जो देवाशीष राय चलाते हैं वो यहाँ पखान जो 116 के नाम से चलाते हैं, वो दूसरा जैसे 17 नंबर ने कहा कि समूह से चलाते है, वो एकदम घटिया सामान देते हैं, सामान कम देने से बोलने से वो बोलता है कि आप लोग इसी से चला लो, नहीं तो हम शिकायत सूचना तहत का मांग लगाएंगे, कलेक्टर तहत से आपको जांच कराएंगे, और एकदम खराब सामान देते हैं और बोलने से किसी भी समय आंगनबाड़ी में घुस जाते हैं, जैसे कार्यकर्ता साई का बहन किसी भी हालत में रहते हैं, हम लोग महिला है वहां जाते हैं और धमकाया जाता है। हाँ, धमकाया जाता है हम लोग से 12-13 साल से ऐसे चल रहा है, हम लोग पूरा तंग आ गए। हाँ, लिखित में किए हैं, मौखिक किए हैं, अभी तक तो कोई जांच नहीं हुआ, अभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसे आगे कुछ कार्रवाई।